وعلى سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم सच्चा हमारा मालिक और सच्चा हमारा खालिक के सिवा उस वाहिद यक्ता के कोई इबादत के लायक नहीं और सच्चे उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के जिनके सदके से जिसको सो जो मिला सो मिला वो हबीब अलैहि सलाम जो रहमतल लिल आलमीन है वो हबीब अलैहि सलाम जो आलमीन के लिए रहमत है वो हबीब अलैहि सलाम के जिनको रब करीम ने अपनी रहमत का मजहर अतम बना दिया। अल्लाह करीम हम सबको हुजूर अलैहि सलाम का हुजूर अलैहि सलाम के साया रहमत में रखे और हुजूर अलैहि सलाम का वफादार और नमक हलाल रहने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन इकराम आप प्रोग्राम देख रहे हैं ईमान और इस्लाम जो मेरा और आपका हफ्तावार गुफ्तगू का सिलसिला है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बज़्म में मोहब्बत की सदारत मेरे शेख कामिल फरमा रहे हैं। मेरे शेख कामिल इस बज़्म में मोहब्बत की सदारत फरमा रहे हैं। अल्लाह करीम हम सबको इस महफिल से और आज के दर से हदीस से इस्तफादा करने की तौफीक अता फरमाए। आज ईमान और इस्लाम में हमारा मौजू इस्लाम दीन अमन है और हुजूर अलैहि सलाम रसूल अमन है। हुजूर अलैहि सलाम रहमतल लिल आलमीन है और इस्लाम अमन व सलामती का दीन है। इस्लाम अमन व सलामती का दीन है। इस पे कुरान का क्या मिजाज है और हुजूर अलैहि सलाम ने क्या इरशादात फरमाए मैंने आपके आगे बयान करने हैं। नाज़रीन इकराम याद रखिएगा इस्लाम दीन अमन है। इस्लाम सलामती का दीन है। इस्लाम नफरतों का दीन नहीं है। इस्लाम नफरतों की इजाज़त नहीं देता। इस्लाम तलवार से नहीं फैला। इस्लाम तलवार से नहीं फैला बल्कि इस्लाम मेरे आका अलैहि सलाम के अखलाक से फैला है। इस्लाम तलवार से नहीं फैला बल्कि खुदा की कसम इस्लाम तो आमिना के लाल की मुस्कुराहटों से फैला है। इस्लाम तलवार से नहीं फैला बल्कि इस्लाम तो हुजूर अलैहि सलाम के हसीन चेहरे से फैला है। इस्लाम तलवार से नहीं फैला इस्लाम तो हुजूर के शहद से मीठे बोलों से फैला है। इस्लाम तलवार से नहीं फैला बल्कि इस्लाम हुजूर अलैहि सलाम के आला तरीन अखलाक से फैला है। आला तरीन अखलाक और किरदार से फैला है जिसकी अपने तो अपने हैं। ऐलान नबूवत से पहले गैर भी गवाही दिया करते थे कि हुजूर अलैहि सलाम जैसा सच्चा कोई नहीं है। हुजूर अलैहि सलाम जैसा अमीन कोई नहीं है। हुजूर अलैहि सलाम जैसा शफीक कोई नहीं है और हुजूर अलैहि सलाम जैसा आला अखलाक रखने वाला और कोई नहीं है। याद रखिएगा इस्लाम ना दहशतगर्दी की इजाज़त देता है और ना ही दहशतगर्द को अपने में पनाह देता है। ना ही दहशतगर्द को कहीं अपने में पनाह देता है। और याद रखिएगा इस्लाम के दीन अमन होने की सबसे बड़ी दलील ये है कि अल्लाह करीम ने अपने भेजे हुए मजहब का नाम इस्लाम रखा। अपने मजहब का नाम इस्लाम रखा जो सलामा से है, जो सलामा से है, जिसका मानी ही अमन व सलामती है, जिसके मानी ही अमन व सलामती है। इस्लाम का तो लफ्जी माना ही अमन और सलामती है तो इस्लाम के लफ्ज इस्लाम में ही अमन व सलामती का दर्स मौजूद है। अमन व सलामती का दर्स मौजूद है जो ये कहता है कि मैंने इस्लाम कबूल किया सबसे पहले वो अकीदा तौहीद और अकीदा रिसालत पर ईमान लाता है। अकीदा तौहीद और अकीदा रिसालत पर ईमान लाता है और फिर जब वो इस्लाम कबूल करता है तो अल्लाह और उसके रसूल से यह वादा कर रहा होता है कि अब मेरा वजूद अमन व सलामती का बायस बनेगा। अब मेरे वजूद फकत अमन व सलामती का बायस होगा। मैं किसी सूरत किसी को तकलीफ नहीं दूंगा। मैं किसी सूरत कहीं किसी की जान नहीं लूंगा। मैं किसी सूरत कहीं फसाद नहीं करूंगा। इस्लाम कबूल कर रहा हूं इसका यह मतलब है कि हमेशा अमन व सलामती वाला बन के रहूंगा। हमेशा अमन व सलामती वाला बन के रहूंगा। और अगर कुरान और हदीस का बगौर मुताला किया जाए, कुरान और हदीस का बगौर मुताला किया जाए तो ये बात
रोज़ रोशन की तरह आया हो जाती है कि मुसलमान सिर्फ वो है, मुसलमान सिर्फ वो है जिसका वजूद अमन और सलामती का बायस है। दहशतगर्द मुसलमान नहीं हो सकता, दहशतगर्द का इस्लाम से ताल्लुक नहीं हो सकता, किसी की नाहक जान लेने वाला कभी मुसलमान नहीं हो सकता, फसाद करने वाला कभी इस्लाम के साथ अपने इस्लाम का सही पैरोकार नहीं हो सकता, लोगों को तकलीफ देने वाला कभी सही मुसलमान नहीं हो सकता। मुसलमान सही वो है, सच्चा मुसलमान वो है कि जिसका वजूद हर एक के लिए अमन और सलामती का बायस बने। यही वजह है कि सुनन नसाई में मेरे मुस्तफा की हदीस मौजूद है, किसी ने हुजूर अलैहि सलाम से पूछा कि या रसूल अल्लाह मुसलमान कौन है, हुजूर अलैहि सलाम ने यहां पर हाँ मुसलमान के लिए सारे फराइज जरूरी है, सारी लवाजमात जरूरी है, लेकिन यहां मुस्तफा ने बाकी फराइज का जिक्र ना फरमाया, किसी और चीज का जिक्र ना फरमाया। पूछा हुजूर मुसलमान कौन है, हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे लोग महफूज हैं, जिसकी जुबान से और जिसके हाथ से जिसके जुल्म से दूसरे लोग महफूज हैं। इब्ने माजा में हुजूर की हदीस मौजूद है। पूछा या रसूल अल्लाह फिर मोमिन कौन है, मोमिन कौन है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मोमिन वो है कि जिससे दूसरों की जान महफूज है, जिससे दूसरों की इज्जत महफूज है, जिससे दूसरों का खून महफूज है और जिससे दूसरों का माल महफूज है। हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि जिससे मुसलमानों की जान महफूज है, जिससे मुसलमानों की इज्जत महफूज है, जिससे मुसलमानों का खून महफूज है। हुजूर ने फरमाया जिससे सब की जान महफूज है, जिससे सब का खून महफूज है, जिससे सब की इज्जत महफूज है और जिससे सब का माल महफूज है, वो मोमिन है। तो पता चला मोमिन अगर कोई शख्स किसी गैर मुस्लिम की जान ले लेता है वो मोमिन नहीं हो सकता। लोग कहते हैं कि गैर मुस्लिम की जान लेने की इस्लाम इजाजत देता है, मेरे मुस्तफा तो फरमाते हैं जो किसी की इज्जत पर हमला करे वो भी मुसलमान नहीं हो सकता, जो किसी के माल पे हमला करे वो भी मोमिन नहीं हो सकता, वो भी कामिल मोमिन नहीं हो सकता, जो किसी की खून ले ले वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता, और जो किसी की जान ले ले वो भी मोमिन नहीं हो सकता। यानी मोमिन वो है जिससे दूसरों की, चाहे वो दूसरा मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, जिससे दूसरों की जान महफूज है, खून महफूज है, इज्जत महफूज है और माल महफूज है, वो मोमिन है, वो मोमिन है। और याद रखिएगा आज मुसलमानों की जान ले ली जाती है, आज खुदकश धमाके करके कई मुसलमानों को कत्ल कर दिया जाता है और काबे को सजदे किए जाते हैं, काबे की ताजीम की जाती है, काबे को जाके चूमा जाता है। काबे को सजदा करना बहुत जरूरी है, काबे के तवाफ करना बहुत जरूरी है, काबे को बार बार चूमना बहुत जरूरी है, अपना नाम भी काबे की निस्बत में रखना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन याद रखिएगा हाँ बैतुल्लाह के साथ अपनी निस्बत नाम में भी कायम करना बहुत अच्छा है, लेकिन याद रखिएगा मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मेरे मुस्तफा करीम इरशाद फरमाते हैं, मुस्तफा काबे का तवाफ कर रहे हैं, तवाफ करने के दौरान काबे को मुखातब फरमाते हैं और फरमाते हैं ए बैतुल्लाह तू बहुत अजमतों वाला है, हाँ ए बैतुल्लाह तेरी बहुत अजमतें हैं, हाँ तुझे अल्लाह ने बहुत हुरमत दी है, हाँ तुझे अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है, लेकिन मेरे मुस्तफा काबतुल्लाह को मुखातब करके कहते हैं कि एक मोमिन की जान से ज्यादा तेरी हुरमत नहीं है, एक मोमिन की जान से ज्यादा तेरी इज्जत नहीं है। काबे के सजदे करने वालों, काबे को चूमने वालों, काबे का तवाफ करने वालों, ये याद रखना मेरे मुस्तफा कहते हैं कि एक मोमिन की जान की कीमत काबतुल्लाह से ज्यादा है, एक मोमिन की जान की अजमत काबतुल्लाह से ज्यादा है। काबे को तो चूमते हो जिसकी हुरमत मुस्तफा ने काबे से भी ज्यादा की है, उसके जो है वो टुकड़े टुकड़े कर देते हो, ये कहां का इस्लाम है, ये मेरे मुस्तफा का दीन नहीं है, ये मेरे मुस्तफा का दीन नहीं है। और ये तबरानी में भी हदीस है, मौजूद कबीर में भी, ये मौजूद कबीर में भी हदीस मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ए काबा याद रखना मेरे गुलामों की यानी ईमान वालों की जान से ज्यादा तेरी हुरमत नहीं है, जान से ज्यादा तेरी हुरमत नहीं है। फिर सूरह मायदा की आयत नंबर 32 में अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है कि एक इंसान का नहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। रब करीम ने यहां मुसलमान का कत्ल नहीं फरमाया, मोमिन का कत्ल नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया एक इंसान का नहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। नाज़रीन व हाज़रीन, हम जज्बाती बातें सुन के तो बड़े नारे लगाते हैं,
बहुत खुश होते हैं, पर असल में हमें यह बातें सुननी होंगी, तब हम मुस्तफा के वफादार कहलाने के लायक होंगे कि मुस्तफा ने हमारा किरदार कैसा होने का हुक्म फरमाया है, मुस्तफा ने हमें कैसा फरमाया है कि कैसा किरदार रखो। हुजूर की शान सुन के झूमना, इससे अच्छा काम और कोई हो नहीं सकता। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम के बताए हुए रास्ते को सुनना और अपनी जिंदगी को उसके मुताबिक ढालना, यह सबसे अच्छा काम है। यह वो काम है जो तुम्हें गुलाम रसूल होने की सनद अता करेगा, गुलाम रसूल होने की सनद अता करेगा। अल्लाह करीम ने फरमाया, एक इंसान का नहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, यानी वो इंसान मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। रब करीम ने फरमाया, एक इंसान का नहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। अब याद रखिएगा, ये शरीयत का कानून है कि जो कुरान की हराम करदा चीज को हलाल जाने, हलाल कहे, वो दारा इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो काफिर हो जाता है, वो काफिर हो जाता है। इमाम अबू मंसूर मातुरीदी ने भी यही कहा है कि जो इंसानी जान लेगा, किसी को कत्ल करेगा और जायज समझ के करेगा, यानी ये कहेगा कि तुम किसी की जान ले लो तो तुम जन्नत में चले जाओगे, जाओ ना हक कत्ल कर दो लोगों का, जाके बाजार में धमाके करके, या जाके यूके में या अमेरिका में या फ्रांस में या पाकिस्तान में या दुनिया के किसी कोने में भी जाओ, जाके गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, जाके खुद का धमाके करके या फायरिंग करके या चाकू मार के लोगों का ना हक कत्ल कर दो तो तुम जन्नत में जाओगे। वो अल्लाह की हराम करता चीज को हलाल कह रहा है और वो दारा इस्लाम से खुद खारिज है, वो खुद काफिर है जो ये कहेगा कि लोगों की जान ले लो तो तुम्हें जन्नत मिल जाएगी, क्योंकि वो अल्लाह की हराम करता चीज को हलाल कह रहा है, बल्कि न सिर्फ हलाल कह रहा है, जन्नत में जाने का रास्ता कह रहा है। ये कह के वो खुद दारा इस्लाम से खारिज हो जाता है, वो खुद दारा इस्लाम से खारिज हो जाता है। दहशतगर्द होना तो दूर की बात है, दहशतगर्द होना तो दूर की बात है। इब्ने माजा में हदीस मौजूद है, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, जिसने दहशतगर्द की मुआविनत की, मुआविनत माल की सूरत में करना तो बहुत आगे की बात है भाई, मुआविनत फिजिकली करना तो बहुत आगे की बात है। हुजूर ने फरमाया, जिसने चंद अल्फाज की सूरत में, चंद हिमायती अल्फाज की सूरत में भी किसी दहशतगर्द की मुआविनत की, हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन जब वो उठेगा, उसकी आंखों के दरमियान लिखा होगा कि आज ये शख्स अल्लाह की रहमत से मायूस होगा, आज अल्लाह इस पर रहम नहीं फरमाएगा, ये शख्स अल्लाह की रहमत से महरूम रहेगा, अल्लाह की रहमत से मायूस रहेगा। इब्ने अबी दुनिया भी इस हदीस को लाए हैं और तिर्मिज़ी शरीफ में भी यह हदीस मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर पूरी दुनिया के माल और मताह को एक पलड़े में रख दो, पूरी दुनिया के माल को एक पलड़े में रख दो, पूरी दुनिया को एक पलड़े में रख दो, इसकी सारी खूबसूरतियों को और रंगीनियों को एक पलड़े में रख दो, और दूसरे पलड़े में एक इंसानी जान को रख दो, अल्लाह के नजदीक इंसानी जान का पलड़ा भारी होगा। अल्लाह के लिए एक इंसानी जान पूरी दुनिया के मालो मताह से ज्यादा कीमती है, पूरी दुनिया के मालो मताह से ज्यादा कीमती है। आज छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए कत्ल कर दिए जाते हैं, आज छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए लोगों की जान ले ली जाती है। मेरे मुस्तफा कहते हैं, अगर सारी जमीन को एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में एक हकीर से इंसान की जान को रख दिया जाए, अल्लाह करीम के नजदीक इंसानी जान ज्यादा कीमती है, अल्लाह करीम के नजदीक इंसानी जान ज्यादा कीमती है। यह खुद का शमले करना, इसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बुखारी में हदीस मौजूद है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, जिसने खुदकशी की उसको यह सजा मिलेगी कि वो जहन्नम में हमेशा वही काम करता रहेगा जो करके वो दुनिया से गया था। यानी अगर किसी ने अपना गला काट के खुदकशी की, उसके हाथ में तलवार दी जाएगी और वो खुद अपना गला काटा करेगा, फिर उसको जिंदा किया जाएगा, फिर वो अपना गला काटेगा, फिर उसको जिंदा किया जाएगा। बुखारी में मौजूद है, कोई जहर खा के खुदकशी करेगा, जहन्नम में उसको जहरीले से जहरीला तकलीफ दे जहर दिया जाएगा, जो वो खाएगा मरेगा फिर जिंदा किया जाएगा, फिर खाएगा फिर मरेगा फिर
फिर जिंदा किया जाएगा। जिसने अपने आप को फंदा लगा के खुदकशी की, उसको बार बार फंदे से लगाया जाएगा और फिर जिंदा किया जाएगा। गोया कि जिसने जिस अंदाज में खुदकशी की, हमेशा कर ये वो अंदाज उसका अजाब बन जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम अपने गुलामों को मुखातब फरमाते हैं और फरमाते हैं कि मैं तुम पर वाजिब करता हूं कि तुम लोगों को, गैर मुस्लिमों को तकलीफ देने से रोको। हुजूर ने अपने गुलामों पे वाजिब किया है कि अगर इस्लामी रियासत में बिलखुसूस तुम देखो कि गैर मुस्लिमों के साथ ज्यादती हो रही है, गैर मुस्लिमों को तकलीफ दी जा रही है, तो हुजूर फरमाते हैं मैं तुम पे वाजिब करता हूं कि तुम गैर मुस्लिमों को तकलीफ देने से रोको और उनका तहफ्फुज करो, तुम उनका तहफ्फुज करो। मुस्लिम शरीफ में हुजूर की हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम गैर मुस्लिमों के खून का तहफ्फुज करो, तुम गैर मुस्लिमों की जान का तहफ्फुज करो, यहां तक कि तुम गैर मुस्लिमों की इज्जत का तहफ्फुज करो और उनके माल का तहफ्फुज करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को हुक्म फरमाया है कि जो अपने आप को मुसलमान कहता है उस पर यह चार चीजें जरूरी है कि वो गैर मुस्लिमों की जान, उनके खून, उनके माल और उनके इज्जत का तहफ्फुज करे, उनकी इज्जत का तहफ्फुज करे। सुनन नसाई में मेरे मुस्तफा की हदीस मौजूद है, हजरत अबू बकरा इसके रावी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने किसी गैर मुस्लिम का नाहक कत्ल किया, नाहक कत्ल किया, अल्लाह करीम उस पर जन्नत को हराम फरमा देगा, अल्लाह करीम उस पर जन्नत को हराम फरमा देगा। और हुजूर फरमाते हैं कि जिसने, बुखारी में हदीस मौजूद है, किसी भी गैर मुस्लिम को नाहक कत्ल किया वो जन्नत की खुशबू तक ना पा सकेगा, हालांकि वो खुशबू 40 साल की मुसाफरत तक सूंघी जा सकेगी, 40 साल की मुसाफरत तक सूंघी जा सकेगी। इमाम अहमद बिन हंबल मुस्तद में इस हदीस को लाए हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम जब भी किसी लश्कर को रवाना फरमाया करते किसी गैर मुस्लिम कंट्री में, तो हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाया करते, याद रखना गैर मुस्लिमों के मजहबी रहनुमाओं को इज्जत देना, मजहबी रहनुमाओं को इज्जत देना और उनकी औरतों पर हमला न करना। अगर जंग की सूरत बन आए तो चाहे वह जो भी करे तुम उनकी औरतों पर हमला न करना। न सिर्फ ये कि औरतों पर हमला न करना, हुजूर ने फरमाया उनके बच्चों पर भी हमला न करना, उन पे बच्चों पर भी हमला न करना। और अगर जंग की सूरत भी बन आए तो मुस्तफा फरमाते हैं औरतें तो औरतें हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, उनके जानवरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उनके जानवरों पे हमला न करना। कुर्बान जाओ मुस्तफा पर, या रसूल अल्लाह आप तो वो है जो गैर मुस्लिमों के जानवरों की जाल का तहफ्फुज करते हैं, तो हम तो आपके गुलाम हैं, हम तो आपके गुलाम हैं, हमें आपसे ये उम्मीद करम है जो गैर मुस्लिमों की जाल, गैर मुस्लिमों के जानवर की जाल का जिनको ख्याल है वो अपने गुलाम का ख्याल जरूर करेंगे, वो अपने गुलाम का तहफ्फुज जरूर करेंगे, दुनिया में भी जलील नहीं होने देंगे, कब्र में भी जलील नहीं होने देंगे और हशर में भी जलील नहीं होने देंगे। हाय हाय मेरी नजात कुछ इन वाइजों के हाथ नहीं, बड़ा करीम है जिसका गुनाहगार हूं मैं, बड़ा करीम है जिसका गुनाहगार हूं मैं। हुजूर ने फरमाया गैर मुस्लिमों से अगर जंग का मौका भी बन आए तो गैर मुस्लिमों से तुम्हें अगर जंग हो रही है, उनके जानवरों से तो कोई मसला नहीं है ना, उनके जानवरों पर हमला ना करना, उनके जानवरों को तकलीफ ना पहुंचाना। हुजूर फरमाते हैं जानवर तो जानवर है, उनकी फसलों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, वार करते हुए यह ध्यान रखना कि उनकी फसलों पे उनका कोई पका हुआ फल तुम्हारे तीर से जाया ना हो जाए। हुजूर फरमाते हैं उनके माल की हिफाजत करना कि कहीं तुम्हारी वजह से उनके माल को नुकसान ना पहुंचे, कहीं तुम्हारी वजह से उनके माल को नुकसान ना पहुंचे। तारीख इब्ने सअद में यह मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब नजरान के ईसाइयों से मुआहदा फरमाया, ये पहली बार की बात नहीं है, ये उस वक्त की बात है कि जब हुजूर का दीन इंपार आ चुका था, जब हुजूर के दीन की हुकूमत आ चुकी थी, जब मुस्तफा का दीन इन पावर आ चुका था, उस वक्त जब मुस्तफा ने नजरान के क्रिश्चियंस के साथ, नजरान के ईसाइयों के साथ मुआहदा फरमाया, तो मुआहदे में खुद मुस्तफा ने फरमाया कि हम तुम्हारे माल का तहफ्फुज करेंगे, हम तुम्हारी जान का तहफ्फुज करेंगे, हम तुम्हारी जमीनों का तहफ्फुज करेंगे, किसी को नाजायज कब्जा नहीं करने देंगे, हम तुम्हारी जमीनों का तहफ्फुज करेंगे। यहां तक मुस्तफा ने फरमाया कि हम तुम्हारे दीन का तहफ्फुज करेंगे, अगर तुम मुसलमान नहीं होना चाहते, ला इकराहा फिद्दीन,
दीन में सख्ती नहीं है, हम तुम्हें मुसलमान होने पे मजबूर नहीं करेंगे, यहां तक कि हम तुम्हारी इबादत गाहों का तहफ्फुज़ करेंगे। आज लोग इस्लाम का नाम लेके चर्चेस पर हमला कर देते हैं, क्रिश्चियंस के चर्च पे जाके हमला करते हैं और कहते हैं कि हम ये इस्लाम करके कर रहे हैं। मेरे मुस्तफा तो ऐसे नहीं है, मेरे मुस्तफा तो क्रिश्चियंस के साथ मुआयदा करते थे कि हम तुम्हारे इबादत गाहों की हिफाजत करेंगे, हम तुम्हारी इबादत गाहों की हिफाजत करेंगे। इसकी वजह यह है कि मेरे मुस्तफा सिर्फ मोमिनीन के लिए रहमत नहीं, सिर्फ मुस्लिमीन के लिए रहमत नहीं, सिर्फ मदीना वालों के लिए रहमत नहीं, सिर्फ इंसानों के लिए रहमत नहीं, बल्कि वमा अरसलना का बच्चे बच्चे को यह आयत याद है, जरा एक बार कहो वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मेरे आका तो फूल फेंकने वालों के लिए भी रहमत है और पत्थर फेंकने वालों के लिए भी रहमत है, मेरे मुस्तफा दुआएं देने वालों के लिए भी रहमत है और गालियां देने वालों के लिए भी रहमत है, मेरे मुस्तफा अपनों के लिए भी रहमत है, मेरे मुस्तफा बेगालों के लिए भी रहमत है, मेरे मुस्तफा इंसानों के लिए भी रहमत है, जिन्नों के लिए भी रहमत है, जानवरों के लिए भी रहमत है, मेरे मुस्तफा फरिश्तों के लिए भी रहमत है और अर्शिया के लिए भी रहमत है। मेरे मुस्तफा वाहिद वो शख्सियत है कि जो रहमत ही रहमत है, जहमत का कोई पहलू मेरे मुस्तफा में मौजूद नहीं है, जहमत का कोई पहलू मेरे मुस्तफा में मौजूद नहीं है। हजरत उमर फारूक ने गवर्नर शाम हजरत अबू उबैदा को खत लिखा और कहा कि खबरदार इस चीज का ख्याल रखना, मेरे मुस्तफा के इस फरमान का ख्याल रखना कि कोई मुसलमान मुसलमान क्योंकि इस वक्त इन पार है, मुसलमानों का दीन इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वहां तख्त पर है, तो यह देखना इसका नाजायज फायदा उठाते हुए कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ ना दे, कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ ना दे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वादे हदीस मौजूद है, ये हम लोग जो इस्लामी रियासत में रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मजहब हमारा मुल्क इस्लामी रियासत है, हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है, अगर कोई क्रिश्चियन तुम्हारी गली में झाड़ू देता है, अगर कोई गैर मुस्लिम तुम्हारे घर में स्वीपर है, तो उसको हकीर जान के उससे ज्यादती मत करना। मेरे मुस्तफा की यह हदीस याद रखना, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद इसके रावी है, मुस्तफा करीम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमी अकलियत पर गैर मुस्लिम अकलियत पर किसी गैर मुस्लिम के कमजोर होने का फायदा उठाते हुए किसी गैर मुस्लिम पर जुल्म किया, हुजूर फरमाते कयामत के दिल उस मुसलमान के सामने मैं गैर मुस्लिम का वकील बन के खड़ा होऊंगा, मैं गैर मुस्लिम का वकील बन के खड़ा होऊंगा। ओ पाकिस्तान में रहने वालों, अगर कोई क्रिश्चियन तुम्हारी गली में झाड़ू देता है, उसको हकीर समझकर उस पर जुल्म ना करना, अगर ये किया तो हो तो तुम मुसलमान, लेकिन कयामत के दिन मुस्तफा उस ईसाई के वकील बनेंगे। अल्लाह अकबर, ऐसा करीब तुमको फिर ना कहीं मिलेगा, बैठे रहो गदाओ सरकार की गली में, बैठे रहो गदाओ सरकार की गली में। आज ह्यूमन राइट्स की आवाज पाकिस्तान में उठती है, आज ह्यूमन राइट की आवाज यूरोप में उठती है, आज ह्यूमन राइट की आवाज अमेरिका में उठती है। अरे मेरे मुस्तफा ने 1400 साल पहले जो ह्यूमन राइट्स की आवाज उठाई, आज तक वो गूंज रही है और उसके मुकाबले में कोई आवाज आ नहीं सकी है, उसके में आज तक कोई आवाज उठ नहीं सकी। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर किसी मेरे गुलाम ने किसी मुसलमान ने किसी गैर मुस्लिम को तकलीफ दी, तो कयामत के दिन मैं उस गैर मुस्लिम का वकील बनूंगा, उस गैर मुस्लिम का वकील बनूंगा। मुसन्नफ इब्न रज़ाक में यह बात मौजूद है, मुसन्नफ अब्दुल रज़ाक में यह बात मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने गैर मुस्लिम की दिज्जत को मुसलमान की दिज्जत के बराबर फरमाया, यानी गैर मुस्लिम की जान की कीमत को नहक कतल को अगर किया जाए तो गैर मुस्लिम की जान की कीमत को हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुसलमान की जान की कीमत के बराबर फरमाया, मुसलमान की जान की कीमत के बराबर फरमाया, और फरमाया जो एक मुसलमान के कत्ल की सजा है वही एक गैर मुस्लिम के कत्ल की सजा है। और सिर्फ फरमाया नहीं बल्कि साबित भी किया, जब हुजूर अलैहिस्सलाम के मारगाह में एक मामला आया
कि एक मुसलमान ने एक गैर मुस्लिम का हक कत्ल कर दिया है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इसके साथ इसको भी वही सजा दी जाएगी जो एक मुसलमान के कातिल को दी जाती है, इसको भी वही सजा दी जाएगी जो एक मुसलमान के कातिल को दी जाती है। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद ज़ाहिरी दौर अक्तस के बाद खुलाफाए राशिदीन के दौर में भी यही सिलसिला जारी रहा कि जो एक गैर मुस्लिम की जान की कीमत थी, जो एक मुसलमान की जान की कीमत थी, वही गैर मुस्लिम की जान की कीमत थी। जैसे मुसलमान की जान की दियत थी, वैसे ही गैर मुस्लिम की जान की दियत थी। हुजूर अलैहिस्सलाम एक मर्तबा हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, एक यहूदी का जनाजा गुजरता है, यहूदी का जनाजा गुजरा, हुजूर अलैहिस्सलाम एहतराम में खड़े हो गए, एहतराम में खड़े हो गए। साहबा ने अर्ज की या रसूलल्लाह क्या ये यहूदी नहीं था, ये तो एक यहूदी का जनाजा था, आप एक यहूदी का जनाजे के एहतराम में खड़े हो गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या ये इंसान नहीं था, क्या ये इंसान नहीं था, मैं इसके इंसान होने पर इसकी इंसानियत के एहतराम पे खड़ा हुआ हूँ, मैं इंसानियत के एहतराम पे खड़ा हुआ हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम यहूदियों के जनाजे पर इंसानियत के एहतराम में खड़े हो जाया करते, इंसानियत के एहतराम में खड़े हो जाया करते। ये है मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम। और याद रखिएगा वुमन राइट्स की आवाज़ें आज उठ रही हैं, आज से कुछ अरसा पहले बिलखसूस उस माशरे में ये तस्वुर नहीं था। उस माशरे में जानते हो क्या तस्वुर था, माँ की यह हैसियत थी कि जब बाप मर जाता था तो माँ को माँ नहीं समझा जाता था, बल्कि बाकी वरासत की तरह वरासत में माँ मिल जाती थी, माँ को खादिमा समझ के नौकरानी के तौर पे घर में रख लिया जाता था। बाद हालात में सुतेले बेटे माँ से निकाह कर लिया करते थे और माँ को घर से निकाल दिया जाता था, माँ को बाजारों में बेच दिया जाता था, बाजारों में माँ को बेच दिया जाता था। ये मेरे मुस्तफा है कि वही बाशरा जो मुस्तफा से पहले माँ को बाजार में बेचा करता था, माँ से निकाह कर लिया करता था, माँ को बाप के बाद घर में नौकरानी बना के रख लिया करता था, वही माशरा माँ के पैर धो धो के पीता था। लोग पूछते थे ये इनकलाब कैसे आया, तो बताया जाता था कि मुस्तफा ने बताया है कि ओ माँ को बाजार में बेचने वाले तेरी जन्नत तेरी माँ के पैर के नीचे है। वही माशरा जो माँ के साथ निकाह कर लिया करता था और माँ को नौकरानी बना लिया करता था, वही माशरा माँ के पैर दबाता नजर आता। लोग पूछते ये इनकलाब कैसे आया, तो बताया जाता मुस्तफा से कोई कहता कि मुझे अल्लाह को राजी करना है, तो मुस्तफा फरमाते अपनी माँ को राजी कर, अपनी माँ की खिदमत कर, तेरे रब की रजा का रास्ता इसमें है, तेरे रब की रजा का रास्ता इसमें है। बेटी को क्या समझा जाता था, बेटी को जिल्लत का निशान समझा जाता था, अगर घर में बेटी हो जाती थी तो उसको जिंदा दफन कर दिया जाता था, उसको जिंदा दरगाह कर दिया जाता था, उसको कत्ल कर दिया जाता था। जिसके घर में बेटी हो उसको जिल्लत के निगाह से देखा जाता था, उसको जिल्लत का निशान समझा जाता था। ये मेरे मुस्तफा है जो तशरीफ लाए तो बताया कि नादानो बेटी जहमत नहीं है, बल्कि बेटी तो अल्लाह की रहमत है, बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटी के आने से घर में अल्लाह की रहमत आती है। फिर ये वही माशरा था जो पहले बच्चियों को जिंदा दरगोर किया करता था, ये बच्चियों के होले पे जश्न मनाया करते थे, ये बच्चियों को सीले से लगा कर रखा करते थे। अगर आज बच्ची की इज्जत है, अगर आज घर में बेटी होने पर खुशी मनाई जाती है, तो ये मेरे मुस्तफा की वजह से है, ये मेरे मुस्तफा की वजह से है। हुजूर अलैहिस्सलाम वो जो अर्श पे जाए तो सुम्मा दना फतदल्ला फकाल काब कौसैन औ अदना से इस्तकबाल किया जाता है, किफ या मोहम्मद इन्ना रब्बका युसल्ली की आवाजों से इस्तकबाल किया जाता है। वह मुस्तफा कि अल्लाह जिनके करीब हो गए उनका इस्तकबाल करता है। सैयदाए कायनात हुजूर अलैहिस्सलाम की बेटी जब हुजूर के घर जाया करती, वह मुस्तफा उठ के सैयदा का इस्तकबाल किया करते और साबित किया उस माशरे में जिसमें बच्ची को जिल्लत का निशान समझा जाता था कि बच्ची जिल्लत का निशान नहीं है, बल्कि बच्ची वो इज्जत का निशान है। कि हुजूर फरमाते हैं मुझे देखो, कायनात का मालिक और मुख्तार खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल कर रहा है, खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल कर रहा है। जब मैंने हजरत अमीर हमजा की शहादत का वाक्या पढ़ा,
और यह पढ़ा कि जब हजरत अमीर हमजा की शहादत हो गई तो हजरत जाफर तैयार, हजरत अली और इन लोगों में एक झगड़ा सा कायम हो गया, बात का मोहब्बत एक बहस सी कायम हो गई। और वो बहस क्या थी, हजरत जाफर तैयार कह रहे हैं हजरत अमीर हमजा की बेटी की कफालत मैं करूंगा, हजरत अली कह रहे हैं मैं करूंगा, तीसरे कह रहे हैं मैं करूंगा, और हर एक की ख्वाहिश है कि काश इसकी कफालत की सआदत हमें मिल जाए। मैं लिखा कुर्बान जाऊं मैं अपने मुस्तफा पर। यह वही माशरा है जो अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, आज ये दूसरों की बच्चियों की कफालत करना चाह रहे हैं, आज ये दूसरों की बच्चियों की कफालत करना अपने लिए सआदत समझ रहे हैं। यह मेरे मुस्तफा की बात है। बीवी को एक खादिमा समझा जाता था, बीवी को फकत एक नौकरानी के हैसियत से रखा जाता था। ये मेरे मुस्तफा है जिन्होंने फरमाया कि बाहर तुम जितने अच्छे मिलते बनते फिरो वो और बात है, मेरे नजदीक तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है, जो अपने घर वालों के साथ अच्छा है। यतीम को जिल्लत की नजर से देखा जाता था, किसी का बाप मर जाए, किसी का सर का साईं मर जाए तो उससे हाथ मिलाना भी तौहीन समझी जाती थी, उससे बात करना अरब अपनी तौहीन समझते थे, उसको कत्ल कर दिया जाता था, अगर कत्ल ना किया जाए तो गुलाम बना लिया जाता था। ये मेरे मुस्तफा है जिन्होंने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि कयामत के बाद जन्नत में तुम मेरे इतने करीब हो जैसे ये दो उंगलियां करीब है तो किसी यतीम के सर पे हाथ रख दो, वह यतीम मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, किसी यतीम के सर पे हाथ रख दो। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे दिल नरम हो जाए तो यतीमों की कफालत किया करो, यतीमों की कफालत किया करो। ये मेरे मुस्तफा है जिन्होंने यतीम को इज्जत दी है। यूरोप में एक प्रोफेसर ने इस्लाम कबूल किया, पूछा गया कि विच क्वालिटी ऑफ इस्लाम इंप्रेस्ड यू, तुम्हें इस्लाम की किस खूबी ने इंप्रेस किया कि तुमने इस्लाम कबूल किया। उसका जवाब सुनहरी हरूफ में लिखे जाने वाला है। उसने कहा मैंने एक सीरत का वाक्या पढ़ा जिसने मुझे मुस्तफा का दीवाना बना दिया। माइकल हार्ट नाम था उसका। पूछा गया कि भाई क्या वाक्या था, उसने कहा वाक्या यह था कि मैंने पढ़ा कि एक दफा हुजूर की बारगाह में एक शख्स रोता रोता आया, कहा कि या रसूल अल्लाह मेरा एक ही बेटा था और मुझे उससे बहुत प्यार है, या रसूल अल्लाह वह बच्चा गुम गया है, काफी दिन हो गए मैंने अपने बच्चे को देखा नहीं है, मेरा बच्चा काफी दिन से लापता है, गुम चुका है, सरकार करम फरमाइए मुझे मेरा बेटा अता फरमाइए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाओ फला मकाम पर और बच्चे खेल रहे होंगे, उनमें तुम्हारा बच्चा खेल रहा है, जाओ अपने बच्चे को अपने घर ले जाओ। वो चल पड़ा, हुजूर ने फरमाया रुको, हुजूर ने फरमाया जब वहां जाओ ना तो अपने बच्चे को उसके नाम से बुलाना, बेटा कह के ना बुलाना। उसने कहा या रसूल अल्लाह है तो वो मेरा बेटा, सरकार में उसको बेटा कह के क्यों ना बुलाऊं। हुजूर ने फरमाया ये तो दूर की बात है, उसको वहां सीने से भी नहीं लगाना, उसको वहां प्यार भी मत करना, बस नाम से बुलाना और घर ले जाना, घर ले जाके जितना प्यार आता है देते रहना। कहा हुजूर इसकी वजह क्या है, हुजूर ने फरमाया वो और बच्चों के साथ खेल रहा होगा, काफी दिन के बाद तुम उससे मिलोगे, जब तुम उसको बेटा कह के बुलाओगे ना इतने दिन के फिराक के बाद उस लहजे में बहुत मिठास होगी, और जब तुम उसको सीने से लगाओगे ना तो वो प्यार गैर मामूली होगा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद तुम्हारा लख्त जिगर तुम्हारे सीने लगेगा। हुजूर ने फरमाया जब तुम उसको बेटा कह के बुला के प्यार करके घर ले जाओगे, मुमकिन है वहां कोई यतीम बच्चा ये मंजर देख रहा हो, उसका दिल तड़प जाएगा कि काश मेरा भी कोई बाप होता जो मुझे बेटा कह के सीने लगा के घर ले जाता, उस बच्चे का दिल टूट जाएगा। खबरदार, बच्चे को प्यार करना है तो घर में करना, सरेआम ना करना कि किसी यतीम का दिल ना टूट जाए, किसी यतीम का दिल ना टूट जाए। मेरे मुस्तफा यतीमों को कहा करते ए यतीमो अगर तुम्हारा कोई बाप नहीं तो मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारा बाप। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ऐसा करीम तुमको फिर ना कहीं मिलेगा, बैठे रहो गदाओ सरकार की गली में। मेरे मुस्तफा के गुलाम को
एक वो शख्स जो अपने आप को मुसलमान कहता है उसको अपना किरदार भी वो रखना होगा जो मेरे मुस्तफा का किरदार था। आज अगर हमें कोई गाली दे दे तो हम उसको जवाब में गाली देते हैं, आज अगर हमारे पे कोई जुल्म कर दे हम जवाब में उस पे जुल्म की कोशिश करते हैं, आज अगर कोई हमसे ज्यादती कर दे हम जवाब में उससे ज्यादती की कोशिश करते हैं। खुदा की कसम मुस्तफा के गुलामों का यह तरीका है कि अगर उन पे कोई जुल्म करता है तो वो हाथ उठाते हैं और कहते हैं या अल्लाह इसने हम पे जुल्म किया तू इस पर रहम फरमा दे। अगर मुस्तफा के गुलामों को कोई तकलीफ देता है मुस्तफा के गुलाम दुआ करते हैं या अल्लाह इसने हमें तकलीफ दी तू इसको तकलीफ से नजात अता कर दे। अगर मुस्तफा के गुलामों को कोई गाली देता है मुस्तफा के गुलाम उसको गाली नहीं देते बल्कि गाली के जवाब में उसको दुआ दिया करते हैं। अगर मुस्तफा के गुलामों को कोई जलील करने की कोशिश करता है अगर कोई मुस्तफा के गुलामों पे जुल्म करता है मुस्तफा के गुलाम जुल्म का जवाब भी इज्जत से देते हैं, मुस्तफा के गुलाम उसको इज्जत देते हैं क्योंकि मुस्तफा के गुलाम उस नबी के गुलाम है कि अगर कोई औरत हुजूर के रस्ते में कूड़ा फेंका करती एक दिन हुजूर ने देखा आज वो कूड़ा फेंक ले आई नहीं है, हुजूर उसके घर तशरीफ ले गए, हुजूर ने फरमाया खैर तो है आज तो हमारे रस्ते में कूड़ा फेंकने नहीं आई, कहा हुजूर बीमार हूं, हुजूर अलैहिस्सलाम उसकी इयादत फरमाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम उसकी इयादत फरमाते हैं। एक बुढ़िया अपना सवाल उठाए जा रही है, अपना सवाल उठाए एक रस्ते से गुजर रही है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया माई कहाँ जा रही है, ला मैं तेरा सामान उठाता हूँ, हुजूर ने उसका सामान उठा लिया, चल रहे हैं सारा रास्ता वह हुजूर की बुराइयां करती रही, सारा रास्ता वह हुजूर की बुराइयां करती रही, हुजूर ने फरमाया आखिर तू शहर छोड़ के जा क्यों रही है, कहा मैंने सुना है यहाँ एक नौजवान आया है, यहाँ एक ऐसा नौजवान है कि जो उसको देखता है उसका होके रह जाता है, वो कहता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और जो उसको देखता है उसका होके रह जाता है, मैं अपने बाप दादा का दीन नहीं छोड़ना चाहती इसलिए मैं जा रही हूं। फिर हुजूर की बुराइयां करने लग पड़े, फिर हुजूर की बुराइयां करने लग पड़े, जब वहां पहुंच गई नसीहत की कि हुजूर का नाम लिया कि तुम उनसे बच के रहना, फिर और हुजूर की बुराइयां कर डाली और कहा उनसे बच के रहना, जब हुजूर जाने लगे तो कहा एक करीब नौजवान मुझे बता तू है कौन, तेरे जैसा सोना मैंने कोई और देखा नहीं है, तुझसे प्यारा मैंने कहीं और देखा नहीं है, तुझसे अच्छा इखलाक मैंने किसी और का देखा नहीं है, तुझसे ज्यादा शफीक मैंने किसी और को नहीं देखा, तुझसे ज्यादा मेहरबान मैंने किसी और को नहीं देखा, कहा होगा तेरी आंखों से किसी की आंखें नहीं मिलती, तेरे होंठों से किसी के होंठ नहीं मिलते, तेरे रुखसार से किसी के रुखसार नहीं मिलते, अरे तेरे सीने से किसी का सीना नहीं मिलता, अरे तेरी शान से किसी की शान नहीं मिलती, तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, कहा होगा तस्वीर तेरी हमने ऐ जलवाए जलाला, सो आई ने तोड़े हैं फिर दिल में उतारी है, सो आई ने तोड़े हैं तब जाके उतारी है, कहा ओए सोने नौजवान ये तो बताता जा तू है कौन, हुजूर ने फरमाया मैं वही मोहब्बत हूँ सारा रास्ता जिसकी बुराइयां करती आई है कदमों में गिर गई, कहा पहले सही सुनाता जो तुझे देख ले तेरे से नजर फेर हाय हाय, जो आपको देख ले वो आपसे नजर फेर नहीं सकता, वो आपसे नजर फेर नहीं सकता। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये है मेरे मुस्तफा, ये है मेरे मुस्तफा। तो पता चला मेरे मुस्तफा ने अपना दीन तलवार से नहीं फैलाया बल्कि अपने अखलाक से फैलाया है। जब फतह मक्का का मौका था, जब फतह मक्का का वक्त था, फतह मक्का हो गई, हर काफिर परेशान था, वो सारे काफिर जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम पर सितम के पहाड़ गिराए थे, वो कुफार जिन्होंने मुस्तफा को इतना तंग किया
के हिजरत करने पे मजबूर कर दिया। वो कुफार जो मुस्तफा सजदे में हो तो आके कूड़ा फेंक जाया करते थे, औचड़िया फेंक जाया करते थे। वो कुफार जिन्होंने 3 साल हुजूर अलैहि सलाम से ऐसा बायकॉट रखा कि शेब अबू तालिब में बंद रहना पड़ा, शेब अबू तालिब में बंद रहना पड़ा। वो कुफार जिन्होंने हुजूर अलैहि सलाम के अहले बैत की तोहीने की, वो कुफार जिन्होंने मुसलमानों के घरों को एक किस्म का जला डाला, वो कुफार जिन्होंने हुजूर अलैहि सलाम पर और हुजूर के गुलामों पर सितम के पहाड़ गिरा दिए। जब वो सारे कैदी बन गए, हुजूर उन कैदियों के पास गए और कहा है मेरे दुश्मनों, तुमने मुझ पे कितने जुल्म किए, तुमने मुझ पे कितनी ज्यादतियां की, तुमने मुझको कितनी तकलीफ दी, पर आज देख लो कि जा अल हक व ज़हक़ल इन्नल बातिल काना ज़हूका। आज हक आ गया है और बातिल भाग गया है। बातिल ने एक ना एक दिल नेस्त नाबूद होला ही था। आज बताओ तुम मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? तुम्हें याद है तुमने मुझे फला तकलीफ दी थी, तुम्हें याद है तुमने मुझे फला तकलीफ दी थी, तुम्हें याद है तुमने मुझे फला तकलीफ दी थी। बताओ आज तुम मुझसे क्या गुमान रखते हो? हर काफिर यक जुबान हो के बोला अल्तल करीम उबनल करीम या रसूल अल्लाह, आप खुद भी करीम, आपका बाप भी करीम, आपका दादा भी करीम, आपका परदादा भी करीम। सरकार करीबों के बच्चों से, करीबों से करब के सिवा किस चीज की तवक्को की जा सकती है? हुजूर ने फरमाया जाओ मैंने तुम सबको माफ करवा दिया। या रसूल अल्लाह जब कुफार मक्का ने कहा कि अल्तल करीम उबनल करीम हमें माफ कर दे, हमें माफ कर दे, तो आपने उन्हें माफ किया? सरकार हम आपके गुलाम हैं और हम भी कहते हैं सरकार वो तो कुफार मक्का थे, हम खुद भी आपके नौकर, हमारे दाद बाप दादे परदादे भी आपके नौकर। हम झोली फैला के कहते हैं अल्तल करीम उफ़लल करीम, सारे बोलो या रसूल अल्लाह अल्तल करीम उफ़लल करीम, अल्तल करीम उफ़लल करीम। या रसूल अल्लाह आप करीम हैं, आप करीमों की औलाद हैं, करम फरमा दे, हमें माफ फरमा दे। हुजूर एक दरख्त के नीचे आराम कर रहे हैं, एक काफिर आया तलवार उठाई, हुजूर को कहा कि अब आपको मेरे से कौन बचाएगा? हुजूर ने फरमाया अल्लाह। हुजूर के गुलाम भी जब फंस जाए ना, लोग कहे अब इन्हें कौन बचाएगा, वो भी कहते हैं फिक्र ना करो अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अल्लाह, सारे बोलो अल्लाह, आवाज आए अल्लाह, हमें कौन बचाएगा? कहा उन तोड़ू कौन बचाएगा, अब तो फंस गए हो, अब कौन बचाएगा? हुजूर ने फरमाया अल्लाह, वो कमना शुरू हो गया, उसके हाथ से तलवार गिर गई, हुजूर ने तलवार उठाई वो गिर गया। हुजूर ने फरमाया अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? कहा सरकार आप तो है ही करीम। काफिर लेकिन कहता है आप तो करीम है, ये आपके हाथ में नहीं है, आप तो है ही करीम। हुजूर अलैहि सलाम ने उसको माफ फरमा दिया। आखिरी दो बातें, काब बिन जुहैर हुजूर अलैहि सलाम के खिलाफ शायरी कर बैठा, बड़े तोहीन अमेज शायरी कर बैठा हुजूर के खिलाफ। सहाबा तलवारें नंगी लेके उसको ढूंढ रहे हैं कि कहीं काब बिन जुहैर मिले, हम उसकी गर्दन उतार दें कि उसने हमारे मुस्तफा की तोहीन की। एक शख्स हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में मुंह पे कपड़ा रख के आया और वो काब बिन जुहैर खुद था। कहा हुजूर आप बहुत करीम हैं, सुना है? हुजूर ने फरमाया हाँ करीम हूं। कहा सुना है बड़े से बड़ा मुजरिम आपके पास आ जाए आप माफ कर देते हैं? कहा हाँ माफ कर देता हूं। कहा हुजूर फिर क्या वो जो काब बिन जुहैर है वही इतना बदकिस्मत है कि आप उसे माफ नहीं करेंगे? हुजूर ने फरमाया उसका बोलो मुंह से कपड़ा हटा दे मैं माफ कर दूंगा। हुजूर ने फरमाया उसका बोलो मुंह से कपड़ा हटा दे मैं माफ कर दूंगा। मेरा यह कायदा है, मैं जब भी मदीना पाक जाता हूं
मवाजा शरीफ पे हाजिर होता हूँ, कहता हूँ सरकार मुंह छुपाने को दिल करता है पर आपसे छुपाओ मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है सरकार। काबिल जोहर तो गुस्ताखाना शाही करके आया था, मैं जब से पैदा हुआ हूँ जब से बोलना सीखा है एक ही बात कही है कि सबसे आला हो आला हमारे नबी, सबसे बाला हो आला हमारे नबी। हुजूर मुझे माफ फरमा दे, हुजूर मुझ पे करम फरमा दे। और अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर करम करते हैं, हुजूर करम फरमाते हैं। हुजूर अलैहि सलाम ताइफ गए, संगबारी की गई, हुजूर अलैहि सलाम पर संगबारी की गई। जिब्रील अमीन आए, कहा या रसूल अल्लाह, कहे तो इन पहाड़ों को इनके ऊपर गिरा डालूं कि इनका नाम और निशान मिट जाए। हुजूर ने फरमाया ये हो तो सकता है लेकिन फिर मेरी रहमतुल्लिल आलमीनी कहां जाएगी, फिर मेरी रहमतुल्लिल आलमीनी कहां जाएगी, मैं रहमतुल्लिल आलमीन हूं। अरे अगर ये नहीं अच्छे, मुमकिन है इनकी नस्लों में कोई अच्छा आ जाए, मुमकिन है इनकी नस्लों में कोई साहिब इमान आ जाए। और आज अरब में अगर सबसे ज्यादा मुहद्दिसीन पाए जाते हैं तो ताइफ की जमीन पे पाए जाते हैं, ताइफ की जमीन पे पाए जाते हैं। अल्लाह करीम हम सबको हुजूर अलैहि सलाम का वफादार रखे, हुजूर अलैहि सलाम का नमक हलाल रखे। हम जिए तो हुजूर की मोहब्बत में, हम मरे तो हुजूर की मोहब्बत में, कयामत के दिन उठे तो अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम के सब हो पेशे खुदा और मैं रूबरू रसूल। आज के इस प्रोग्राम के आखिर में पूरी दुनिया में इस वक्त जो आवा क्यू टीवी पर नाजरीन देख रहे हैं और यहाँ जितने हजारों की तादाद में हाजरीन बैठे हैं, नीयत करें कि आज के बाद मुसलमान तो मुसलमान है, हमारे वजूद से किसी गैर मुस्लिम को भी तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अल्लाह करीम हम सब का हामी और नासिर हो।